नाइन्थ क्लास का एक और क्वेश्चन, इफ 1176 इक्वल टू टू द पावर ए इंटू थ्री टू द पावर बी इंटू सेवन टू द पावर सी, फाइंड ए बी सी। तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू थ्री सेवन ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 1176 इसका कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वंस प्लेस पे सिक्स आ रहा है तो ये टू से ज़रूर डिवाइड होगा, और यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये टू से डिवाइड होगा, तभी तो टू की पावर कुछ ना कुछ आएगी। तो टू से डिवाइड करेंगे तो टू फाइव जा टेन, वन इधर आ गया, टू एट जा सिक्सटीन, वन इधर आ जाएगा, टू एट जा सिक्सटीन, 588। अब भी ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू टू जा फोर, वन इधर आ गया, टू नाइन जा एटीन और टू फोर जा एट। अब भी ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, टू सेवन जा फोर्टीन। अब यहाँ पर उसके बाद थ्री था, आप लोग चाहें तो सीधे दिखाई दे रहा है सेवन से डिवाइड होता है, तो सेवन से भी कर सकते हैं, लेकिन सेवन और वन एट, एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व जो सम है वो डिवाइड होता है थ्री से, तो ये थ्री से डिवाइड होगा। तो थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। अब थ्री से ये डिवाइड नहीं हो सकता, नाइन और फोर थर्टीन होते हैं, तो ये सेवन से ही डिवाइड होगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन और यहाँ पर सेवन वन जा सेवन। तो इस तरीके से हम लोग 1176 को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें टू आया थ्री टाइम्स, तो टू की पावर थ्री इंटू थ्री आया वन टाइम, तो थ्री की पावर वन इंटू सेवन की पावर टू। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, और ये इक्वल है टू की पावर ए इंटू थ्री की पावर है बी और सेवन की पावर है सी। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो टू की पावर थ्री है, टू की पावर ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। ऐसे ही थ्री की पावर बी है, थ्री की पावर वन है, तो बी की वैल्यू यहाँ से वन मिल गई, और सेवन की पावर टू है, सेवन सी है, तो सी की वैल्यू टू आ गई। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।